फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड गुम हो गया है, भुला गया या कहीं खो गया है, तो आप यहां पे सिंपल प्रोसेस से अपना आधार कार्ड दोबारा बनवा के अपने पते पर मंगवा सकते हैं बिना मोबाइल रजिस्टर का। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, फिर भी आप अपना आधार कार्ड अपने पता पर मंगवा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया, तो मैं ऊपर में आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख के अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आधार कार्ड रिप्रिंट के बारे में, उसे आप किस तरह से बनवा सकते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपल गूगल में जाके सर्च कर लेना है UIDAI। जैसे सर्च करेगा तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का खोल के सामने आएगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना UIDAI पे। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट जो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको ऑर्डर आधार रिप्रिंट। जैसे ऑर्डर आधार रिप्रिंट पे क्लिक करिएगा तो आपको कुछ एक नया इस तरह से खुल के आपको सामने आएगा एक इंटरफेस। देखिए इस तरह से खुल के एक सामने आएगा। तो अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इसे आप पढ़ लीजिएगा पूरे अच्छे तरह से यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर लेना है, या आपके पास वर्चुअल आईडी है तो वो फिल कर लेना, या आपके पास EID है तो वो फिल कर लेना, एनरोलमेंट आईडी है तो वो फिल कर लेना। तीनों में से आपके पास जो कुछ भी है तो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो मेरे पास आधार नंबर है तो मैं यहाँ पे आधार नंबर से फिल कर लेता हूँ। 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है, सिक्योरिटी कैप्चा डालना है। अब यहाँ पर देखिएगा एक माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, यहाँ पर देख रहे हैं एक, ठीक है। तो इसको आपको, अगर आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है आपके आधार में, तो आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास रजिस्टर है तो वो कर, मेंशन नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब एक OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर है, मतलब जो अभी आपने नंबर डालिएगा उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। जैसे यहाँ सेंड OTP पे करिएगा, यहाँ देखिए मेंशन नॉट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पे OTP आ गया, OTP आपको यहाँ पे सिंपली से सेंड OTP कर लेना है। उसके बाद आपको OTP फिल कर लेना, OTP सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जो अभी आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है, मतलब जो आधार कार्ड से अटैच नहीं है उसके बाद जो डाला है जिस पे OTP जाएगा, ये आप ही ने किया है, तो वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद टर्म कंडीशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करिए, देखिए ये आपका ऑर्डर आधार रिप्रिंट हो गया, वेरीफाई हो गया आधार डिटेल्स। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है 50 रुपीज़ का, 50 रुपये का आपको पेमेंट करना है, जो आपको घर तक पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो अब मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा आगे का प्रोसेस खुल के आएगा। अब देखिए मेक पेमेंट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेक पेमेंट हो गया, तो यहाँ पे कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है। अब तीनों में से जो आपको करना है उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 50 रुपया का यहाँ पे आपको पेड करना पड़ेगा। तो मेरे पास कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो मैं कार्ड के थ्रू यहाँ पे आपको पेमेंट करता हूँ। जैसे कार्ड डेबिट कार्ड में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको आ जाएगा कार्ड नंबर आपको डालना है, यहाँ एक्सपायरी डालना है, यहाँ CVV नंबर डालना है, या नेम और कार्ड डालना है। उसके बाद सारे फिल करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करें तो एक आपके OTP जगह मोबाइल नंबर पे जो आपको बैंक रजिस्टर में होगा उसके थ्रू आप पेमेंट कर लीजिएगा। OTP फिल कर लेना है, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करें तो आपका 50 रुपये का ये सक्सेसफुली चार्ज हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब आपको यहाँ पे SRN नंबर मिल जाएगा, ये SRN नंबर आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आप अपना ट्रैकिंग इसे ट्रैक कर सकते हैं कि अभी तक आपका कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, तो आपको इसे भी डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मान लीजिए नहीं आएगा तो फिर आप कंप्लेन करके इसे आप कंप्लेन कर सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों आप यहां पे आधार कार्ड रिप्रिंट करवा सकते हैं। अब यहां पे आपको चेक करना है अपना आधार स्टेटस, तो चेक आधार रिप्रिंट स्टेटस क्लिक करेगा, यहां पे आपको जो SRN नंबर मिल रहा है उसे फिल कर लीजिएगा, आधार नंबर 12 डिजिट का यहां पे फिल करिएगा, यहां कैप्चा फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप जैसे फिल करिएगा तो यहां पे चेक स्टेटस पे क्लिक करिएगा, तो आपको स्टेटस पता चल जाए कि आपका आधार कहाँ तक पहुँचा है और कब तक आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहां पे अपना आधार कार्ड यहां पे दोबारा रिप्रिंट करवा के मंगा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करते हुएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।